आज संघ का गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थिति है। और आप जानते हैं कि संघ जो है गुरुदक्षिणा के रूप में ही राशि स्वीकार करता है, और जितने भी स्वयंसेवक हैं साल में एक बार संघ भगवा ध्वज को गुरु मान करके अपना राशि समर्पण करते हैं। अगला किस तरह का कार्यक्रम है? अगला अभी जो है ना, एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रकृति वंदना का कार्यक्रम, जो हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम को हम लोग सहयोग कर रहे हैं। आगामी 30 अगस्त को 10 बजे दिन में पेड़ पौधों का पूजन किया जाएगा, विधिवत पूजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे घटक हैं, और उसमें जो आरोग्य भारती है, NMO है, अपने चिकित्सीय कार्य से जितना संभव हो सकता है लोगों को मदद पहुंचा रहा है। इसके अलावा बहुत सारा सोशल काम है जो संघ जो है अपने स्तर से, जैसे लोगों के पास खाना पहुंचाना, अपने आस पड़ोस लोगों में कोई भूखा नहीं रहे, कोई बीमार नहीं रहे, उसको अस्पताल में ले जा कर के इलाज कराना, इस तरह के कार्यक्रम में संघ आ गया है। किस चीज़ का इस गुरु संघ का जो है, संघ का आर्थिक जो भी खर्च आता है इसी गुरु दक्षिणा के समर्पण से चलता है। साल भर में एक बार लिया जाता है और किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लिया जाता है, भगवा ध्वज को ही गुरु मान करके और उसी को समर्पण किया जाता है, और ये गुप्त रहता है। ये जो भी राशि मिलती है इस राशि से संघ के प्रचारक का काम, चाहे संघ का जो भी खर्च होता है वो चलता है। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, संघ संचालक का दायित्व है सिवान जिले। संघ में व्यक्ति कोई गुरु नहीं है, परम पूज्य भगवा ध्वज को संघ गुरु माना है। जब से संघ की स्थापना हुई तब से, तो संघ में संघ के संस्थापक डॉक्टर पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगवार जी ने संघ जब खड़ा किया था, तो व्यक्ति के अंदर अहंकार हो सकता है, व्यक्ति के अंदर ये दुर्भावनाएँ हो सकती है कि इतना बड़ा संगठन के हम ये हैं, तो स्वयं उसके ये ना बन करके, उसके गुरु ना बन करके, उसके ये कहा जाए उसके कर्ता धर्ता ना बन करके परम पूज्य भगवा ध्वज को ही अपना गुरु माना। और तब से लेकर के संघ गुरु पूर्णिमा से लेकर के और पूरे सावन में, इस कोरोना महामारी के कारण भरत प्रभात शाखा का गुरु पूजन उत्सव का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो आज के दिन परम पूज्य भगवा ध्वज को हम लोग गुरु पूजन करके समर्पण किए हैं। इसके माध्यम से जो संगठन का कार्य चलता है, संघ के स्वयंसेवक, संघ कोई चंदा इकट्ठा नहीं करता है, इसी समर्पण के माध्यम से संगठन का काम चलता है, उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इस शाखा के सभी कार्य स्वयंसेवक बंधु उपस्थित थे, और माननीय जिला संघ चालक डॉक्टर विनय जी का हम लोग को उपाधेय के रूप में बौद्धिक प्राप्त हुआ। जन्मेजय कुमार, बजरंग दल क्षेत्र संयोजक, बिहार झारखंड। आज भरत प्रभात शाखा पे राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो प्रतिवर्ष गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम होता है, थोड़ा विलम्ब से हुआ क्योंकि कोरोना जैसे महामारी के कारण कार्यक्रम विलम्ब हुआ। आज गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम हम लोग भरत प्रभात शाखा के प्रांगण में रखे थे, और परम पूज्य गुरु भगवा ध्वज के सामने पुष्प अर्पित करके जो भी स्वयंसेवक हैं अपना धन और पुष्प अर्पित किए लो, और ये प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है, और स्वयंसेवक के ही देन है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व में इतनी बड़ी संस्था बनी है, और ये स्वयंसेवक बहुत ही देश के लिए बहुत अच्छी काम करती है और आगे भी करेगी। इस कोरोना महामारी में किस तरह से स्वयंसेवक संघ के जो कर्मी हैं वो कैसे काम करते हैं? इस कोरोना इस महामारी में हम लोग जो आज कार्यक्रम रखे थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रखे थे, आप खुद देखें कि 2 गज की दूरी बनाकर सारे स्वयंसेवक बैठे थे। देखेंगे देश में कहीं भी, देश विदेश में कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, लगातार देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, जो भी परिवार भूखा है उसको अन्न देते हैं, और हम लोग आगे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता होने आते हैं, गरीब और भूखे को हमेशा हम सहायता करते रहेंगे।
अब आगे आप विभिन्न कीटाणुओं से आपकी रक्षा करने वाला सुपर किल सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आप रहेंगे अलग अलग प्रकार के कीटाणु वायरस और गंदगी से दूर। तो फिर देर क्यों, जल्द से जल्द बुक कीजिए सुपर किल पेस्ट मैनेजमेंट को और अपने होटल, दुकान, ऑफिस और अस्पताल को कराएं सैनिटाइज। हमारा संपर्क नंबर है 9304249670 9852316160।